मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट कर्शन दार्जिलिंग। मैं अखिल अहमद, अभी मैं मौजूद हूँ दार्जिलिंग में और यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है और यहाँ का डिग्री सेल 5 है। और आइए यहाँ पे देख सकते हैं आप, टूरिस्ट लोग भी काफ़ी लोग हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और आइए उनसे चल के बात करते हैं। इस बार मिल गया बहुत सारा बात, इस बार मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप कितने साल से इंतजार कर रहे थे ये मूवमेंट का? 10 साल हम लोग ट्रेनिंग करने आया था लेकिन तब भी नहीं मिला, लेकिन इस बार मिला। आज आपका 10 साल का अरमान पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। यहाँ कुछ बच्चे लोग भी हैं, आप लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं? बहुत 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 मजा। ठंड लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्नोफॉल का मजा बहुत पूरा ले रहा है, पूरा। ओके, थैंक यू सर। और यहाँ आप देख सकते हैं काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, जगह जगह से आए हैं यहाँ पे। ये आप देखिए, दीदी दीदी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या, मैं बहुत अच्छा लगा ये स्नोफॉल पड़ने के लिए। हाँ। और आपको कितने साल से इंतजार था? मुझे बहुत साल से इंतजार था ये देखने के लिए। मैं ये दार्जिलिंग में होने से मैं नहीं दिख नहीं पा रहा था, आज देखा, बहुत खुश लग रहा है ये। आप देख सकते हैं काफी इंजॉय कर रहे हैं लोग और बहुत ही स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। अब ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेन के पटरी तक यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है और ट्रेन चलने की चांसेस कुछ नहीं है। यहाँ देखिए काफी एंजॉय कर रहे हैं, आइए और इनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे कितने साल के बाद स्नोफॉल स्नो गिरा है? कितना सर? 9 साल के बाद। 9 साल। और आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं सर, वो बताइए। हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, मस्त है। हम लोग के इसमें जगह में जो गिरा है स्नो, हम लोग अपने फैमिली के साथ है लेकिन मजा आ रहा है हम लोग को। 9 साल के बाद गिरा है स्नो। आप क्या कहने जाएंगे मैम? मैम आप कितना एंजॉय कर रही हूँ बताइए। बहुत एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ। अच्छा।
आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का? स्नोफॉल का बहुत मजा आ रहा है इस बार, बहुत अच्छा हो रहा है ना, स्नोफॉल भी बहुत मजा आ रहा है, आप लोग भी एंजॉय किए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आइए घूमिए और स्नो का मजा लीजिए, ये बोलना चाहेंगे हम तो। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ से? सिलीगुड़ी से दादा। सिलीगुड़ी से, और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग ये बताइए? भयंकर एंजॉय है, फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल देखा, बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मन कर रहा है रहने के लिए यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे स्नोफॉल हुई है। ये आपका घूम स्टेशन दार्जिलिंग। और आइए यहाँ मैम से बात के, स्नोफॉल देख के कैसा लग रहा है? आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस नहीं किया था इतना सारा बर्फ देखा है। टाइगर हिल में कितना स्नोफॉल हुआ है मैम? वहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है और बहुत जैम भी है ट्रैफिक का, लेकिन स्नो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को वहाँ पे जाने से और आने के बाद कोई दिक्कत हुई? हाँ दिक्कत तो हुई है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ट्रैफिक है और ऐसे चलने से भी ठीक हो रहा है पैर, लेकिन फिर भी चलता है, अच्छा लग रहा है। यानी कि आप लोग काफी एंजॉय किए? बहुत एंजॉय। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। आज का मौसम सुहाना है, बहुत ही सुहाना है। हम सिलीगुड़ी से आए गाड़ी लेकर और हम दार्जिलिंग भी नहीं पहुंचे, अभी यहाँ पे स्नो मिल रहा है तो हम इधर ही रुक गए, और आगे भी मिला था, दार्जिलिंग में नहीं है स्नो, बहुत अच्छा लगा, स्नो फॉल होता और अच्छा लगता। तो आपको कितने साल से ये इंतजार था? नहीं मैं पिछले साल भी देखा हूँ, मैं हमेशा आ जाता हूँ काम। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आप? हम लोग सिलीगुड़ी नक्सलवाड़ी। और ये जो स्नोफॉल है उसके बारे में क्या कहते हैं? हम लोग तो बहुत एंजॉय किए, हम लोग स्नोफॉल के कारण ही यहाँ पर आए हैं, तो खूब एंजॉय किए, अभी हम लोग रिटर्न करेंगे और बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किए। स्नोफॉल सुबह 7 बजे देखा, हमारा दोस्त लोग आया था, वो देखने के बाद हमको पूरा मन कर रहा था आने के लिए, तो अकेला हो रहा था, तो 10 बजे में दोस्त लोग के साथ बात किया कि जाना है, बस 5 मिनट में बूट किया और निकल गया। बहुत अच्छा लगा स्नोफॉल देख के। हम लोग दार्जिलिंग का आदमी है, अगर हम लोग को किस्मत में नहीं मिलता कोई देखे, मगर आज किस्मत में मिला तो उसमें बहुत अच्छा लगा। कितने साल से आपको इंतजार था इस मोमेंट का? मेरा मोटा मोटी 15-20 साल से इंतजार था ये। हम बहुत बार इतना वेदर में आता है में, मगर देख नहीं सकता है, ये किस्मत होना पड़ता है, स्नोफॉल देखने के लिए किस्मत देखना होना पड़ता है। ओके थैंक यू।
सर आप कहाँ से? जी हम यहीं से लोकल हैं, ये घूम के हम एक्चुअली जो आज आपका स्नोफॉल हुआ है तो लगभग मेरे एक्सपीरियंस के कारण से ये लगभग 14 ईयर्स के बाद मेरे हिसाब से 14 ईयर्स के बाद फिर इस तरह का भारी वर्षा ये भारी अपना स्नोफॉल हुआ है। सो अभी अब हम सब बहुत एक्साइटेड है, खुश भी लग रहा है। फिर आज यहाँ बहुत टूरिस्ट का भी बहुत भीड़ हो गया, गाड़ी का दाम लग गया। सो हम आशा कर रहे हैं कि एक दो दिन में फिर और यहाँ पर स्नोफॉल होगा और हम सब बहुत खुश हैं और आप सब इंजॉय कीजिए। मैं आपके चैनल के मार्फत ये बोलना चाहूँगा कि हम सब यहाँ आपके घूम जोरों में आइए, स्नो का मजा लीजिए और यहाँ का गर्म गर्म चाय का मजा लीजिए। वेलकम थैंक यू। ओके थैंक यू। दार्जिलिंग भी नहीं पहुंचे अभी, यहाँ पे स्नो मिल रहा है तो हम इधर ही रुक गए और आगे भी मिला था, दार्जिलिंग में नहीं है स्नो। बहुत अच्छा लगा, स्नो फॉल होता और अच्छा लगता। तो आपको कितने साल से ये इंतजार था? नहीं मैं पिछले साल भी देखा हूँ, मैं हमेशा आ जाता हूँ काम वाम छोड़ के, बस ये मजे लेने के। हम लोग यहाँ हाजिर हो जाता है और उसके बाद अभी आप लोग बैक टू और ठंड कितना लग रहा है यहाँ पे? देखिए ना, ऐसा लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में आ गया हूँ, ऐसा फील हो रहा है। स्विट्जरलैंड फील हो रहा है।